नमस्कार, खेला डा स्पोर्ट अपडेट में आपका स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी जितनी भी छोटी या बड़ी अपडेट होती है सब आपको हमारे चैनल खेला डा स्पोर्ट अपडेट के माध्यम से मिलती रही है, इसलिए कहते हैं आपको फटाफट हमारे चैनल खेला डा स्पोर्ट अपडेट को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक ऐसी अपडेट पहुँचते रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, ऋषभ पंत के लिए। जी हाँ, ऋषभ पंत जो कि आप जानते हैं उनको फ्यूचर कैप्टन भी माना जाता है टीम इंडिया का, क्योंकि उनका कंपेरिजन धोनी से किया जाता है, लेकिन इन दिनों वो आईपीएल के सीजन में नो बॉल का कनेक्शन उनसे जुड़ता जा रहा है। अब ये क्या है नो बॉल का कनेक्शन, मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आपको पता होगा, जब डीसी और आरआर के बीच में मुकाबला हुआ था, आपको याद होगा दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जब मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में लास्ट ओवर में नो बॉल कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ हुआ था, इसमें ऋषभ पंत का नाम बहुत ज़्यादा उभर रहा था कि ऋषभ पंत ने वहाँ पर बदतमीजी की थी। जी हाँ, वैसे ही एक बार फिर से देखने को मिला ऋषभ पंत जो कि KKR और दिल्ली कैपिटल के बीच में जो कल का मुकाबला खेला गया उसमें भी अंपायर से बहस करते हुए आए नो बॉल को लेकर। तो मतलब कुल मिला जुला के मामला ये है कि अब ऋषभ पंत का नो बॉल से कनेक्शन जुड़ चुका है। अब ऋषभ पंत को एक अच्छा कैप्टन मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि आगे चल के अच्छा कैप्टन बनेगी, क्योंकि जैसा उन्होंने दिल्ली कैपिटल के लिए कैप्टनसी कर रहे हैं सब कुछ सही है, लेकिन उनका एक विवाद जो विवादों से जुड़ते जा रहे हैं वो थोड़ा सा टीम इंडिया के लिए भी नहीं सही है ना उनके लिए सही है, क्योंकि अगर वो फ्यूचर में कैप्टन बनते हैं तो इस तरह की थोड़ी सी विवाद में ना रहे, खिलाड़ी तो अच्छा रहे। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि पूरा मामला क्या है। जैसा कि आपको पता होगा, जब राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में मुकाबला हुआ था उस टाइम लास्ट ओवर में 6 गेंद पे 36 रन चाहिए थे और पावेल स्ट्राइक पे थे। तो लास्ट ओवर में जो कि कोई वेस्ट इंडीज़ का बॉलर था, मुझे नाम नहीं याद है, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग कर रहे और 3 छक्के बैक टू बैक दे दिए। बेहतरीन बॉलिंग किसके सेंस में, दिल्ली कैपिटल की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग करवाए, क्योंकि उस टाइम 6 बॉल पे 36 रन चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था रॉ में पॉल जो पावेल हैं वो उस मुकाबले को जिता देंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा, तीसरी गेंद जो कि फुल टॉस गेंद थी वो पूरी तरह नो बॉल थी, पर अंपायर ने उसको नो बॉल नहीं दिया था, जिसके बाद फिर बहस करते हुए नजर आए थे ऋषभ पंत अंपायर से फिरते हुए नजर आए और दोनों अपने खिलाड़ी को बाहर बुला रहे थे। वैसा ही कल कुछ देखने को मिला। कल का मुकाबला जब KKR और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला जा रहा था, उस मुकाबले में ललित यादव बॉलिंग कर रहे थे, नीतीश राणा बैटिंग पे थे और 17वें ओवर की तीसरी बॉल पे ललित यादव ने एक फुल टॉस गेंद दी जिसे नीतीश राणा ने उठा के छक्का मार दिया, उसके बाद अंपायर ने उसे नो बॉल दे दिया। अब ऋषभ पंत को लगा कि ये गेंद फुल टॉस थी, इसको नो बॉल नहीं देना चाहिए था, फिर से कल से वो अंपायर से भिड़ते हुए नजर आए। तो पूरा मामला यही था, जैसा कि कल फिर भिड़ते हुए अंपायर नजर आए। जैसा कि आपको बता दें, पिछले मुकाबले में जब नो बॉल कॉन्ट्रीब्यूशन पे ऐसी हरकत किए थे ऋषभ पंत, तो उनको अपने पूरे मैच का फीस देना पड़ा था फाइन, जो कि 1 करोड़ लगभग पैसा था। तो मुझे ये नहीं समझा ऋषभ पंत सुधरेंगे कब, यही बात है, क्या ऋषभ पंत सुधरते हुए नजर आएंगे, हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो जिस हिसाब से बच्चों जैसे हरकत कर रहे हैं वो उनको नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी उनके अंदर मेच्योरिटी लेवल आनी चाहिए। तो यही थी पूरा मामला। फटाफट आप हमारे चैनल खेला डा स्पोर्ट अपडेट को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप तक ऐसी अपडेट पहुँचते रहे। और हाँ, आप नीचे ये भी कमेंट करके बताइए, क्या ऋषभ पंत का जो ये हरकत कर रहे हैं वो उनका हरकत ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्या अंपायर से बहस करनी चाहिए ऐसे बिना मतलब के, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल खेला डा स्पोर्ट अपडेट को सब्सक्राइब करिए।